एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है दाल वाली सब्जी। हमने दाल को पहले से ही भिगा दिया था 3-4 घंटे के लिए। हमने 15-20 लहसुन ले लिया है, तीखा आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें पानी ऐड करेंगे, ना ही इसको बहुत ज़्यादा पतला करेंगे ना ही ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। देखिए इस तरीके से रहेगा। देखिए दाल का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया 2 चम्मच लगभग। अब हम तड़का के लिए जीरा डाल देंगे, 2 चुटकी हींग, चॉप किया हुआ प्याज 2। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का भून लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम जो दाल का पेस्ट तैयार किया था अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक भूनेंगे। हम इन सबको मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। देखिए पेस्ट हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने एक थाली ले लिया है, अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसको चारों ओर फैला देंगे इस तरीके से। देखिए देखिए हमने अच्छे से फैला दिया है। अब इसको ठंडा होने तक इंतज़ार करते हैं। वेटर हमारा सीख चुका है, अब इसको हम पीसेस में काटेंगे इस तरीके से। देखिए हमने पीसेस में काट दिया है इस तरीके से। तो कढ़ाई पहले से हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, अब हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हमने जो ये पीसेस में काटा था इन सबको तल लेंगे। देखिए फ्राई हो चुका है हल्का हल्का। अब इन सबको उलट पलट के फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम फिर से हल्का हल्का ऑयल ऐड करेंगे ताकि दूसरे और भी अच्छा से फ्राई हो जाए। देखिए फ्राई हो चुका है, अब हम इन सबको निकाल देते हैं। हमने कढ़ाई को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम सरसों ऑयल डालेंगे, 1 चुटकी भर हींग, 1/2 चम्मच पचफोड़न, तेजपत्ता, 2 लाल मिर्च। पचफोड़न तड़क चुका है, अब हम इसमें 5 बड़े साइज में प्याज ले लिया था। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी से प्याज गल जाए। अब हमने 2 बड़े साइज में टमाटर ले लिया, इसको पीस में काट लिया है। ये लहसुन ले लिया है 8-10, ये ले लिया गरम मसाला। अब हम इन सबका पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे जो हमने तैयार किया था। 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसको तब तक भूनेंगे, मसाला तब तक भूनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। हमने हल्दी ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारे गरम मसाले में हल्दी ऐड था, इसीलिए हमने हल्दी ऐड नहीं किया है। अब इस मसालों को हम ढक के ही भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तक हम ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देते हैं गैस पर। अब हमने जो पकौड़ियाँ तले थे दाल के, अब इसमें हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे 1-2 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे, नहीं तो पकौड़े टूट जाएंगे। अब हमारी दाल वाली सब्जी बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए सर्व करते हैं। हमारे घर पे 2 दिन पहले कुछ गेस्ट आए थे, उनको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई थी। उन्होंने कहा कि यही रेसिपी दोबारा हमें बना के खिलाइए, झटपट बन के तैयार हो जाता है।
हमारे गेस्ट को ये रेसिपी बहुत पसंद आया है। आप भी अपने गेस्ट को बना के खिला सकती हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि आगे और भी रेसिपी ऐसे डालते रहें।